हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत स्ट्रेच किया जा सकता है, लंबा चैप्टर है, बट आज के वीडियो के अंदर हम जिस तरीके से इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, आप महसूस करोगे कि नीट के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आज के वीडियो में से ही पूछा गया है। इतना प्रिडिक्टेबल बनाया जा सकता है इस चैप्टर को। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि 13 टू 14 वीडियोस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपका कॉन्फिडेंस सिलेबस को अगर कंसीडर किया जाए तो काफी ज्यादा हद तक इंक्रीज हो चुका है, और दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ टेस्ट सीरीज। और प्रेप ऑनलाइन के ऊपर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई गई है, जो मोस्ट वॉन्टेड सीरीज के पैरेलल ही डेवलप की गई है। इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर आप प्रेप ऑनलाइन ऐप के ऊपर ये कूपन कोड यूज करते हो PHY25, तो आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे किसी भी चीज के ऊपर। अगर आप टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हो तो उसके ऊपर, और अगर कोई फ्रेंड आपका मोस्ट वॉन्टेड सीरीज बाय करना चाहता है तो उसके ऊपर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, आज के वीडियो में क्योंकि हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में तो सबको पता ही है, मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो डेंसिटी कहलाता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? हम किसी भी लिक्विड का रिलेटिव, किसी भी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। हमें क्या करना होगा, उस लिक्विड की डेंसिटी को डिवाइड करना होगा वाटर की डेंसिटी से एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का ही एक और नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। जब आपको रिलेटिव डेंसिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में भी दी जा सकती है। जैसे आपको दिया जा सकता है कि कोई बॉडी है, ठीक है, उसका एयर के अंदर जो वेट है वो WA है, और जब आप उसको वाटर के अंदर डिप कर देते हो, अब थर्स्ट या बयान फोर्स लगने की वजह से उसका वेट कम हो जाता है, तो वो W इन वाटर है। तो इन दोनों क्वांटिटीज की फॉर्म में जो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो जाएगा WA डिवाइडेड बाय WA माइनस WW, राइट। या फिर आपको कोई तीसरा लिक्विड भी दिया जा सकता है। आपको बोला जा सकता है कोई बॉडी है, उसकी एयर के अंदर जो वेट है वो WA है, किसी लिक्विड के अंदर जो वेट है वो WL है, और वाटर के अंदर जो वेट है वो WW है। तो उस फॉर्म में भी इस इंफॉर्मेशन को पूछा जा सकता है। फॉर्मूला याद रख लो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस पे से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसके ऊपर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। ये जो दोनों चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतना मास इस लिक्विड का उठा लिया गया है M1, और M2 मास किसी दूसरे लिक्विड का उठा लिया गया है, और इन दोनों को मिला के एक मिक्सचर बनाया गया है, और उस मिक्सचर की जो ओवरऑल डेंसिटी होगी वो कितनी होगी। तो जब मासेस को लेके मिक्सचर बनाया जाता है तो मिक्सचर की डेंसिटी होती है M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय रो 2। ये बेसिकली वही है कि टोटल मास को आपने टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इंफॉर्मेशन मास और डेंसिटी की फॉर्म में दी गई थी, तो आपने वॉल्यूम को मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी की फॉर्म में लिखा है ना। आप खुद डिराइव कर सकते हो। और जब वॉल्यूम की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो आपका मिक्सचर का फॉर्मूला हो जाएगा Rho1V1 प्लस Rho2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। Rho1 पहले वाले लिक्विड की डेंसिटी और V1 पहले वाले लिक्विड का वॉल्यूम है, Rho2 दूसरे वाले लिक्विड की डेंसिटी और V2 दूसरे वाले लिक्विड का वॉल्यूम है। तो बाय मास अगर मिक्सचर किया जाए तो ये फॉर्मूला, और बाय वॉल्यूम अगर मिक्सचर किया जाए तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इन दोनों के ऊपर कई बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, राइट। फिर डेंसिटी के बाद में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वो है प्रेशर। प्रेशर के बारे में आपको सबको पता होगा कि एक लिक्विड जो है उसके कांटेक्ट में जो भी चीज आएगी उसके हर पॉइंट के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, और उस नॉर्मल फोर्स को अगर आप एरिया से डिवाइड कर दोगे तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो प्रेशर कहलाएगी। इसकी जो SI यूनिट है, वैसे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए थी, बट उसका नया नाम रखा गया है, दैट इज कॉल्ड पास्कल। इसकी अदर यूनिट्स जो हैं वो भी पॉपुलर हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 m, उसकी वैल्यू जो होती है पास्कल के अंदर लिखोगे तो 1.01325 इंटू 10^5 पास्कल हो जाएगी। आप सिंपल 10^5 पास्कल भी लिख सकते हो इसको। और भी ज्यादा जो पॉपुलरली यूज किया जाता है प्रेशर को मेजर करने के लिए, वो कॉलम ऑफ मर्करी यूज किया जाता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 760 mm ऑफ मर्करी कॉलम की हाइट के इक्वल होता है, राइट। तो ये कुछ यूनिट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। आपको तो खैर ऐसा यूनिट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ये क्वेश्चंस के अंदर कई बार यूज करी जाती है तो इनकी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, अगर नहीं दी जाए तो फिर आपको इसको याद करना जो है वो बेनिफिशियल होगा, राइट। फिर
आप लिक्विड के बारे में बात कर रहे हो, तो आपने एक कंटेनर लिया और उसके अंदर लिक्विड को भर दिया, रेस्ट पर है अभी, लिक्विड मूव नहीं कर रहा, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे जैसे आप डेप्थ पर जाते जाओगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो एक फॉर्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि लिक्विड जब रेस्ट पर होता है तो किसी गिवन हाइट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जैसे इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, P1। इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, P2। P2 ज्यादा होगा, P1 कम होगा। ये क्यों हुआ, ग्रेविटी की वजह से। और कितना ज्यादा होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि P2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू P1 प्लस रो टाइम्स G टाइम्स H। कितनी हाइट डेप्थ या कितनी डेप्थ पर चले गए आप, राइट, कितना डेप्थ नीचे चले गए, तो उससे आपको मल्टीप्लाई करना है इस लिक्विड की डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। तो ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है जिसको आप बिल्कुल ऐसे ही मतलब चलते फिरते यूज कर सकते हो, इतना आसान है इस फॉर्मूले को यूज करना, राइट। अगर आप इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग देखोगे, जो इसकी टॉप मोस्ट लेयर है जो कि एटमॉस्फेयर से संपर्क के अंदर है, कॉन्टेक्ट के अंदर है, तो वहां पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। और वहां से अगर इसकी हाइट को अगर अपन एच कंसिडर करें किसी भी पॉइंट की, तो वहां पर जो प्रेशर होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो टाइम्स जी टाइम्स एच। तो तीन अलग अलग तरीके के प्रेशर दिखाई देंगे। ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गया किसी भी पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट प्रेशर, और ये जो क्वांटिटी है, ये जो डिफरेंस है दोनों प्रेशर्स का, ये कहलाता है गॉज प्रेशर। तो प्रेशर को मेजर करने वाली जितनी भी डिवाइसेज हैं, जैसे मैनोमीटर हो गया, वो बेसिकली किसको मेजर करते हैं, गॉज प्रेशर को मेजर करते हैं, क्योंकि बाकी दो क्वांटिटीज जो है वो हमें नॉर्मली पता होती है, राइट। तो ये जो फैक्ट आपने पढ़ा कि किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर दिया जाए और उससे किसी डेप्थ एच के ऊपर जाकर प्रेशर पूछा जाए, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही हमारे क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली यूज होता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इसी इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान में रखना है। पास्कल्स लॉ फिर एक आता है। पास्कल्स लॉ के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये कहता है कि अ लिक्विड एग्जर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन के अंदर चले जाओ, जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो सेम होगी। खासकर हम ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो थ्रू आउट लिक्विड जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। अगर ग्रेविटी है तो फिर मैंने डेप्थ के ऊपर जाने पर प्रेशर किस तरीके से इंक्रीज होता है वो आपको बता दिया। दूसरी जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो सेम चेंज इन प्रेशर जो है वो साइमल्टेनियसली हर पॉइंट के ऊपर थ्रू आउट लिक्विड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, अगर आप अचानक से यहाँ का प्रेशर बढ़ा देते हो तो थ्रू आउट लिक्विड आपका जो इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर आपने जो दिया है टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर, वो थ्रू आउट लिक्विड आपको हर पॉइंट के ऊपर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। दैट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो इसका जो ये सेकेंड पॉइंट है, इसको हमें ध्यान में रखना है कि प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। अगर आप लिक्विड के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट लिक्विड, भले कैसा भी फैला हुआ वो लिक्विड, उसके हर पॉइंट के ऊपर उतना ही अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। थोड़ा बहुत प्रेशर वगैरह के बारे में आप पढ़ते हो और पास्कल्स लॉ आपको पता चलता है, आपको पता चलता है कि किस तरीके से डेप्थ पर जाने पर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो फिर आप आ जाते हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। वहां से आपको पता चलता है कि क्यों कोई बॉडी किसी लिक्विड के अंदर फ्लोट करती है। इसके लिए बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी बॉडी को जब आप किसी लिक्विड के अंदर डिप करते हो तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं, एक तो उसका खुद का वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और एक लिक्विड की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगता है जिसको बयांट फोर्स या फिर अपथर्स्ट फोर्स बोला जाता है, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगता है। और ये जो अपथर्स्ट फोर्स है ये हमेशा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। अब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना का उतना जो लिक्विड है वो बॉडी ने डिस्प्लेस कर दिया होगा। भाई जहां पर लिक्विड था वहां पर आपने बॉडी को ठूंस दिया, तो उस बॉडी ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया होगा, जितना उसका खुद का वॉल्यूम है, टाइम्स, ये ध्यान रखना जो डेंसिटी है वो किसकी है, लिक्विड की डेंसिटी है, क्योंकि हमें डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट निकालना है, टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा, और मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से करोगे तो वेट आ जाएगा। तो ध्यान रखना बयांट फोर्स या अपथर्स्ट फोर्स जो होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड।
तो अब दो फोर्स हो गए, एक तो खुद का वेट और एक अपथर्स्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा अपेरेंट वेट। इसीलिए जब आप पानी के अंदर कूदते हो तो आपको अपना खुद का वेट जो है वो कम महसूस होता है। आप बाहर किसी चीज को नहीं उठा सकते, बट पानी के अंदर उसी चीज को उठाओगे तो आपको बहुत ही आसानी, बहुत ही ईज जो है वो महसूस होगी। वो इसी वजह से होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से। अब तीन अलग अलग केसेस बन सकते हैं। मान लो बॉडी का खुद का वेट अपथर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बॉडी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी, डूब जाएगी लिक्विड के अंदर। अगर इक्वल है तो बॉडी सबमर्ज हो जाएगी कंप्लीटली, बट डूबेगी नहीं, तैरेगी, फ्लोट करेगी। और अगर वेट जो है वो कम है अपथर्स्ट फोर्स से, अपथर्स्ट फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, तो फिर बॉडी जो है वो पार्शियली सबमर्ज होके, वो डिपेंड करेगा कि डेंसिटीज का डिफरेंस कितना है, वो आप आसानी से निकाल सकते हो, वो फ्लोट करती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। तो आपको तो बेसिक प्रिंसिपल ये चीज ध्यान रखनी है, और इसके बेसिस पे आप तीनों के तीनों केसेस जो है वो डिराइव कर सकते हो। तो यहां से क्वेश्चंस आपको बहुत सारे आते हुए दिखाई देंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको देखना इतनी ईज महसूस होगी केवल और केवल इस चीज के बेसिस पे, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को करने की, और आगे भी आपको काफी हेल्प करेंगी ये चीजें। तो किसी बहते हुए फ्लूइड की बात करें तो हमें केवल और केवल दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि A1V1 A2V2 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर आपका फ्लो इस तरीके से हो रहा है कि आपका पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो चेंज हो रहा हो, यहाँ पर एरिया कम है और यहाँ पर एरिया ज्यादा है, तो वेलोसिटीज क्या होंगी, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। आप खुद भी करते हो डे टू डे लाइफ के अंदर, जब आपको पौधों को पानी देना होता है और दूर तक पानी पहुंचाना होता है पाइप से, तो आप पाइप के मुंह को दबा देते हो, यानी कि उसका एरिया कम कर देते हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस फॉर्मूला के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए दिखाई देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, आसानी से आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। और दूसरा जो फॉर्मूला है उसको कहा जाता है बर्नौलीज थ्योरम। यहां पर तीनों चीजें काउंट होगी, आपका प्रेशर कितना है, रो जी एच वन ये वेट यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और हाफ रो वी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक अनोदर फॉर्म है। तो इसके अकॉर्डिंग P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स की जो वैल्यू है वो किसी भी पॉइंट के लिए सेम रहेगी। यानी कि यहां पर अगर प्रेशर P1 है, इसकी हाइट किसी कॉमन रेफरेंस से H1 है, और यहां पर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो V1 है। ऐसे यहां पर प्रेशर P2, हाइट सेम कॉमन रेफरेंस से H2 और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड V2 है, तो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा, P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे, जैसे स्पीड ऑफ ई फ्लक्स जो है उसके अंदर आप बर्नौलीज थ्योरी में यूज करते हो, यहां का एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, और यहां पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहां पे एरिया बहुत कम है, और यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आप इस इक्वेशन को यूज करोगे तो प्रेशर तो दोनों जगह सेम हो जाएगा, केवल और केवल हाइट चेंज होगी, इधर हाइट कैपिटल एच हो जाएगी और इधर हाइट जो है वो कैपिटल एच माइनस एच हो जाएगी। और वेलोसिटी इधर तो नियरली जीरो वेलोसिटी से नीचे लेवल जाता हुआ दिखाई देगा, और इधर आपको वी वेलोसिटी से लिक्विड जो है वो बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो जब आप इस इक्वेशन को अप्लाई करोगे तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी ध्यान रख सकते हो, जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, अंडर रूट 2gh। अब इसको टॉरिसलीज लॉ भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो कि यार इस लिक्विड की इस छेद से निकलने की जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल उसी तरीके से मिली है जिस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को आपने एच हाइट से ड्रॉप किया हो। ध्यान रखना उसमें भी वेलोसिटी रूट 2gh आया करती थी। तो यहाँ पे जैसे ये ऑब्जेक्ट है पानी, इसको एच हाइट ड्रॉप कर दिया आपने और फिर पानी बाहर निकल रहा है, तो कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, अंडर रूट 2gh अपॉन अंडर रूट 2gh। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके मोशन से आए, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये पानी जमीन से कितनी देर में जाके टकराएगा, तो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल है वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है। तो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने पढ़ा था कि टाइम हमेशा अंडर रूट ट्वाइस ऑफ हाइट फ्रॉम ग्राउंड डिवाइडेड बाय जी के इक्वल होता है, तो यहाँ पे अंडर रूट ट्वाइस ऑफ ग्राउंड से हाइट हो जाएगी, कैपिटल एच माइनस एच डिवाइडेड बाय जी के इक्वल हो जाएगा। ये फॉर्मूलाज आपको याद नहीं रखने, जस्ट इनको अप्लाई करना सीखना है, राइट। और जो इसकी रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज, वो अपन कैसे निकालते थे, इस टाइम को इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये 2 अंडर रूट स्मॉल एच टाइम्स कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के इक्वल आती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग स्मॉल एच की वैल्यू के लिए रेंज जो है वो अलग अलग आएगी। मैक्सिमम कब आएगी, जब स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगी। तो ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस जो है वो इस सेगमेंट से भी पूछे जा सकते हैं। तो
मैं पहले भी कह रहा हूँ कि आपके पास याद करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज इकट्ठे हो जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, बट अगर आप बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज को ध्यान रखोगे, जैसे मैंने बताया था कि आप केवल और केवल इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखो, इनको अप्लाई करना सिखाऊंगा मैं, जैसे यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा था क्वेश्चंस के अंदर, और कोशिश करूंगा, और फिर आप देखोगे कि आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई फॉर्मूला ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। और यही हमारे मोस्ट वॉन्टेड सीरीज़ का प्रिंसिपल है, कम से कम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा वेरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, उसके अंदर हमें कामयाब होना है। राइट, नेक्स्ट। फिर अगला जो सेगमेंट है उसमें हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में। तो लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग जो विस्कस फोर्स होता है वो ईटा टाइम्स ए टाइम्स डीवी बाय डीएक्स के इक्वल होता है। यहां पर ईटा जो है वो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। और यहीं से आप स्टॉक्स थ्योरम की तरफ आगे बढ़ जाओगे कि जब किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को आप पानी के अंदर डालते हो, वो नीचे जाता है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी वी है, तो उसके ऊपर वेट लगेगा, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, और अभी अभी आपने पढ़ा था एक विस्कस फोर्स भी लगेगा जो कि उस लिक्विड के अंदर लेयर्स के बीच की जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करने का काम करेगा। ये फ्रिक्शन का भाई बंधु है। राइट, तो जैसे ये नीचे की तरफ खिसकाना चाह रहा है लेयर्स को, तो विस्कस फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये जो विस्कस फोर्स है स्टॉक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये खुद वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनफैक्ट तुम पूरा का पूरा फॉर्मूला ही ध्यान रख लो, 6 पाई ईटा टाइम्स आर वी के इक्वल होता है स्टॉक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो कि नीचे की तरफ जा रहा है उसके ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स। तो आपकी इक्वेशन बनेगी कि एफ वी और टी एच ये दोनों ऊपर है, ये मिलकर किसको बैलेंस कर लेंगे? डब्ल्यू को, यानी कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, उसके बाद में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि उस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो उसकी आखिरी वेलोसिटी होगी, उससे वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, इसलिए उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो निकल के आएगी इसको सॉल्व करने पर 2/9 r² × g / eta × ρ − σ। रो यहाँ पर बॉडी के मटीरियल की डेंसिटी है और सिग्मा यहाँ पर लिक्विड के मटीरियल की डेंसिटी है। तो इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट ध्यान रख लेना है, ये बहुत काम आता है। खासकर इसमें ध्यान रखना है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिफरेंस इन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला याद रख लेना तो ये तीनों चीजें अपने आप याद रह जाएंगी। रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी ये तीनों चीजें ध्यान रख लो कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो बेसिकली एक क्वांटिटी है जो कि बताती है कि आपके फ्लूइड का जो फ्लो है वो कैसा है। अगर इसकी वैल्यू 1000 से कम होती है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो माना जाता है, स्मूथ फ्लो बिल्कुल, और अगर इसकी वैल्यू 2000 से ज्यादा होती है तो टर्बुलेंट फ्लो माना जाता है। स्ट्रीमलाइन में क्या होता है कि हर पार्टिकल और उसके पीछे आने वाला पार्टिकल ये इस तरीके से मूव करते हैं, भीड़ चाल भी कह सकते हो आप, कि ये पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा ये आंख बंद करके अपने आगे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करेगा, इसको तो स्ट्रीमलाइन फ्लो बोला जाता है। और टर्बुलेंट फ्लो में कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। नल का एग्जांपल ले लो, जब आप नल को बिल्कुल हल्का सा खोलते हो तो बिल्कुल मुलायम सी धार आती हुई नजर आती है, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और जब उसको एकदम से खोल देते हो खर करके पानी निकलता है, वो किसका एग्जाम्पल है? टर्बुलेंट फ्लो का एग्जाम्पल है। और इसकी वैल्यू अगर 1000 से 2000 के बीच में होगी तो फ्लो ना तो स्ट्रीमलाइन होगा ना टर्बुलेंट होगा, अनस्टेडी फ्लो होगा, वो अलग अलग मटीरियल के लिए अलग अलग डिफाइन होगा, ठीक है ना। विस्कोसिटी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फ्लूइड्स की अगर आप बात करते हो तो फ्लूइड्स में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्लूइड के मटेरियल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, या आप यूं कह लो कि दो लेयर्स के बीच में जो अडहेसिव फोर्स लग रहा था, जो कोहेसिव फोर्स लग रहा था, नॉट अडहेसिव, उसी लिक्विड की दो लेयर्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था टेम्परेचर बढ़ाने पर, वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, घट जाएगा। और जितना ये फोर्स घटेगा उतना का उतना ही आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी क्या हो जाना चाहिए? घट जाना चाहिए। तो फ्लूइड्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जबकि गैसेस में उल्टा होगा। गैसेस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेयर्स वैसे भी इतनी पास पास तो होती नहीं, उसमें तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका डिफ्यूजन यानी कि आपस में होने वाली टक्कर जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि उनके राह में आने वाले जो हर्डल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और उनके बढ़ने की वजह से आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बढ़ जाता है। तो फ्लूइड्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होता है, जबकि गैसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राइट, सरफेस टेंशन, अगर आप किसी लिक्विड को देख रहे हो शांति से तो उसकी जो फ्री सरफेस है उस फ्री सरफेस पे क्या होगा, आप कोई भी एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो उस लाइन के ऊपर सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सरफेस के अलोंग एक फोर्स लगेगा हर पॉइंट के ऊपर, उस फोर्स
को अगर आप लाइन की लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो सरफेस टेंशन कहलाती है। सरफेस टेंशन जो है वहीं से आप सरफेस एनर्जी की तरफ बढ़ जाते हो। किसी भी फ्री सरफेस के अंदर हमेशा इलास्टिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है वो बेसिकली सरफेस टेंशन के ही इक्वल होती है, या आप यूं कह लो कि जो एनर्जी होती है वो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया के इक्वल होती है। इतना सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसी के ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सारे के सारे। इसी सरफेस टेंशन की वजह से किसी बबल के अंदर क्या पाया जाता है, एक्सेस प्रेशर पाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, सरफेस टेंशन की वजह से आपकी जो मेनिस्कस है यानी कि फ्री सरफेस जो है लिक्विड की, वो आइदर कॉनकेव होती है और कॉन्वेक्स होती है। वो बर्तन यानी कि पॉट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसके अंदर आपने उसको डाला है। तो आपको तो हमेशा ध्यान रखना है कि कॉनकेव साइड पर जो प्रेशर होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स साइड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और इन्हीं दोनों के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, एक्सिस प्रेशर बोला जाता है। मैं जितना बता रहा हूं ना उतना आपको ध्यान में रखना, उसको एज अ फैक्ट ध्यान रखो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली यूज करनी है इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप ड्रॉप की बात करते हो तो ट्वाइस ऑफ टी अपॉन आर हो जाएगा। टी यहां पर सरफेस टेंशन है, आर रेडियस है। एयर बबल पानी के अंदर बनते हैं ना, एयर बबल, उसकी बात करोगे तो सेम टू टी अपॉन आर हो जाएगा। और अगर सोप बबल की बात करते हो तो सोप बबल में दो फ्री सरफेसेस होती है, एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो यहां पर जो एक्सेस प्रेशर वो डबल हो जाता है, कितना हो जाता है, फोर टी अपॉन आर हो जाता है। इस एक्सेस प्रेशर और सरफेस टेंशन की वजह से ही आप किसी बहुत कम रेडियस वाली ट्यूब को जब पानी के अंदर डिप करते हो या ऐसे लिक्विड के अंदर डिप करते हो जो कॉनकेव मेनिस्कस बनाता है किसी कंटेनर के अंदर, ग्लास की बनी हुई होती है नॉर्मली, राइट? तो आपको नॉर्मली इस पानी का लेवल उस ट्यूब के अंदर ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इसी को कैपिलरी राइज बोला जाता है। अगर मरकरी जैसे मटीरियल का एग्जाम्पल लोगे जो कि कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं, तो आपको जो लेवल है मरकरी का वो गिरता हुआ दिखाई देगा, उसको कैपिलरी फॉल बोलते हैं। तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, इस एक्सेस प्रेशर की वजह से होता है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको ध्यान रखना है कि जो कैपिलरी राइज होता है वो ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन टाइम्स कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा जो है ना वो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है। सरफेस ऐसी होगी तो टेंजेंट खींच दो और ये आपका कंटेनर हो गया, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है, डिवाइडेड बाय रो टाइम्स आर, जी के इक्वल होगा। हाइट आपको रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रही है, यानी कि रेडियस जितनी कम होगी ट्यूब की, कैपिलरी ट्यूब की, उतना हाइट जो है ज़्यादा होगी। अगर आप एंड करेक्शन का मतलब है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो वाटर लेवल राइज होता है उसमें अपन जो सरफेस है उसको प्लेन मान लेते हैं और उसको मान के कैलकुलेट करते हैं, तो ये फॉर्मूला आता है। अगर अपन एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो आपकी जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी खुद की रेडियस जो है उसका 1/3 जो है उसको आपको इस हाइट के अंदर से क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो याद रख सकते हो तो याद रख लो, अदरवाइज आपको केवल और के लिए ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है। अब आपको ताजुब हो रही होगी कि क्या वाकई इतनी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन किए जा सकते हैं क्या, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नीट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर में से वो डेफिनेटली इस इंफॉर्मेशन से बाहर का नहीं होगा। नहीं मानते मेरी बात तो मुझे आपको क्वेश्चंस के अंदर ये बात प्रूव करके बतानी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। अ जार इज फिल्ड विथ टू नोन मिक्सिंग लिक्विड्स 1 and 2 हैविंग डेंसिटीज ρ1 and ρ2 रेस्पेक्टिवली। अ सॉलिड बॉल मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ3 इज ड्रॉप्ड इन द जार इफ इट कम्स इन इक्विलिब्रियम इन द पोजिशन शोन इन फिगर। आपको दिख रहा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ρ1, ρ2 and ρ3। तो हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अंदर देखा था कि अगर वेट जो है वो अपथर्स्ट के कंपेरिजन में ज्यादा होता है तो बॉडी सिंक कर जाती है, डूब जाती है, और अगर कम होता है तो बॉडी फ्लोट करती है। अब वेट और अपथर्स्ट का जो रिलेशन है वो सीधा सीधा रिड्यूस किया जा सकता है डेंसिटीज के लेवल पर। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी बॉडी की तो वो सिंक कर जाएगी, और अगर डेंसिटी कम होगी तो वो फ्लोट करेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ρ3 डेंसिटी वाला मटेरियल है वो ρ1 के अंदर तो सिंक कर गया, डूब गया, तो पक्का ρ3 की वैल्यू ρ1 से तो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और ρ2 वाले लिक्विड के ऊपर वो फ्लोट कर रहा है, यानी कि ρ3 की वैल्यू बेसिकली कम होनी चाहिए किससे, ρ2 से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी ρ2, फिर ρ3 एंड फिर ρ1। कर सकते हो आप इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अ बोट हैविंग अ लेंथ ऑफ
3 meters and breadth 2 meter is floating on a lake. The boat sinks by 1 centimeter when a man gets on it. The mass of the man is. तो पहले नाव जो है वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर तैर रही थी, फिर आदमी आया उसके अंदर और वो 1 सेंटीमीटर अंदर चली गई, यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उसने डिस्प्लेस कर दिया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये आप निकाल लो सबसे पहले। तो आप बोलोगे सर जितना नाव अंदर डूब गई उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ पानी जो है वो डिस्प्लेस हो गया होगा। तो नाव कितनी अंदर डूबी है, उसकी लेंथ है 3, उसकी ब्रेथ है 2 और उसकी जो डेप्थ है वो है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 1 × 10⁻²⁻² मीटर, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो डिस्प्लेस कर दिया गया है, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा उसके बराबर अपवर्ड फोर्स लगने लगेगा और वही किसको बैलेंस करेगा, मैन के वेट को बैलेंस करेगा। तो वेट ऑफ मैन जो होगा वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, अपथर्स्ट फोर्स के इक्वल हो जाएगा। और अपथर्स्ट फोर्स किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेस्ड वाटर की वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम 1 × 10⁻², वाटर की डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी ध्यान रखना याद ही रख लो इसको, आइदर 1000 kg/m³ होती है या फिर 1 g/cm³ होती है। SI और CGS दोनों सिस्टम के अंदर ध्यान रख लो। तो यहाँ पे अपन SI यूनिट यूज कर रहे हैं तो डेंसिटी हो जाएगी 1000, ठीक है, डेंसिटी होगी 1000 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को अपन ले लेते हैं 10। तो अब देखो कितना वेट निकल के आएगा, ये हो जाएगा 10⁻², और ये हो जाएगा 10⁴। तो 4 में से माइनस 2 गया तो 10⁻² बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा 6 × 10⁻², यानी कि 600 न्यूटन। और अगर आप फोर्स से मतलब वेट से मास निकालना चाहते हो तो आप उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डिवाइड कर देते हो, तो 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60 किलोग्राम। भाई साहब 60 किलोग्राम का वेट ही तो 600 न्यूटन होगा ना, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो आपने सिंपल सा लॉ था उसको यूज किया और आपका आंसर आ गया। स्फीयर इज फ्लोटिंग इन वाटर, इट्स 1/3 part इज आउटसाइड द वाटर, तो अंदर कितना हो जाएगा, 2/3 part अंदर हो जाएगा, यानी कि 2/3 part का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3, 4/3 πr³, या फिर अपन यूं कह देते हैं, इतना लंबा चौड़ा भी लिखने की जरूरत नहीं है, अपन इसको लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो जो भी बॉडी है उसका 2/3 part जो है वो अंदर है, इतना अंदर डूबा हुआ है, तो इतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उसने डिस्प्लेस कर दिया होगा, इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर उसने डिस्प्लेस कर दिया होगा। तो डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। और जब आप इसको अनोन लिक्विड के अंदर डालते हो तो 3/4 part जो है वो आउटसाइड रहता है, यानी कि डिप कितना होगा, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी, इतना अंदर डूबी हुई होगी। अब की बार डिस्प्लेस किया गया है लिक्विड को तो रो एल टाइम्स जी। अब ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी क्योंकि बॉडी तो सेम ही है, उसी के बारे में बात कर रहे हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वी बॉडी से वी बॉडी कैंसिल हो जाएगा और जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो जो रो एल है वो आपको आता हुआ नजर आएगा 8/3 ρW के, और रो डब्ल्यू की वैल्यू अभी अभी मैंने बताई थी 1 g/cm³ रखी जा सकती है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 8/3 g/cm³। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो जो कहा गया है क्वेश्चन के अंदर उसको फॉलो करते जाओ, आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, इतना आसान है इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप हैज अ रेडियस आर, ऐसे एक आपकी ट्यूब है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। फिर इस एंड पर तुम देखते हो कि यहां पर छोटे 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 होल्स कर रखे हैं आपने, ठीक है ना, इस तरीके से, और एन नंबर ऑफ होल्स है और हर होल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करना है अपनों को। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यू कहता है कि यहां पर जो एरिया है मतलब पाए आर स्क्वायर और यहां पर जो स्पीड है मतलब वी, वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए, यहां पर जो एरिया है
मतलब एन इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर टाइम्स यहाँ पर जो स्पीड है मतलब वी डैश, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। आप देखो कि पाई से पाई चला जाएगा तो वी डैश की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी वी डिवाइडेड बाई एन स्मॉल कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर की पावर टू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ना छोटे छोटे फॉर्मूलाज के बेसिस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो चुटकियों में सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेशर ऑफ वाटर इन अ वाटर पाइप व्हेन टैप इज ओपन एंड क्लोज्ड इज रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। विथ ओपन टैप द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इज, तो देखो टैप सेम है यानी कि हाइट दोनों कंडीशन में सेम रही है। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी वन प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, पी टू प्लस हाइट तो सेम ही होगी, रो जी एच प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर के इक्वल आ जाना चाहिए। अब पहले केस में आपका जो टैप है वो ओपन है, प्रेशर की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 रेस टू पावर 5, हाइट वाली टर्म जो है वो तो कैंसिल हो जाएगी, प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर, ओपन है तो वी वेलोसिटी से बह रहा होगा अपन मान लेते हैं। यहाँ पे प्रेशर है 3.5 इंटू 10 रेस टू पावर 5 और क्योंकि टैप आपका क्लोज्ड है यानी कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। इसको अपन उधर ले जाएंगे तो हाफ रो वी स्क्वायर 3.5 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर 5, यानी कि वी स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, पानी की बात करी जा रही है तो पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1000 यानी कि 10 रेज टू पावर 3 होती है। 0.5 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 और 5 है तो वी स्क्वायर की वैल्यू रह जाएगी 100 यानी कि v की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ यार इसके अंदर बर्नौलीज़ थ्योरम लगानी है, कोई फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको बर्नौलीज़ थ्योरम अप्लाई करनी चाहिए, कंसेप्ट पता होने चाहिए, आप क्वेश्चन कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लो स्पीड्स ऑफ एयर ऑन द लोअर एंड अपर सरफेस, जैसे सपोज करो ये आपका विंग है, यहां पर स्पीड कितनी है अंडर रूट 2v और यहां पर स्पीड है v। ध्यान रखना बर्नौलीज़ थ्योरम का एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि जहां पर स्पीड ऑफ फ्लो ज्यादा होती है ना वहां पर प्रेशर कम होता है, तो ऑब्वियसली यहां पर प्रेशर कम होगा और यहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो इसको अपन मान लेते हैं p1 और यहां पर मान लेते हैं p2। बर्नौलीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, हाइट का तो कोई खास डिफरेंस है नहीं, तो आप कह सकते हो कि p1 प्लस हाफ रो इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 2v किसके इक्वल हो जाना चाहिए, p2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तो यहाँ पर वी ही दे रखा है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। p1 ज़्यादा है p2 कम है, या सॉरी p2 ज़्यादा है p1 कम है, तो p2 माइनस p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अपन इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो हाफ रो 2v में से हाफ रो यहाँ पे 2v नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो 2v स्क्वायर आ जाएगा, तो हाफ रो 2v स्क्वायर में से हाफ रो v स्क्वायर को माइनस करेंगे तो बच जाएगा हाफ रो v स्क्वायर। तो ये आपका प्रेशर डिफरेंस आ गया और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही आपका इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, तो जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस लेना है टाइम्स एरिया ए, तो ये हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर टाइम्स ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। इसीलिए आपको पता पड़ गया होगा कि विंग्स के ऊपर किस तरीके से अपथर्स्ट फोर्स लगता है, वो आपने फाइनली पता लगा लिया। एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज स्टेडिली थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप विच हैज रेडियस 2r एट पॉइंट ए एंड रेडियस r एट पॉइंट बी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। If the velocity at point A is v, its velocity at point B. क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको पता लग जाना चाहिए कि हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करना है। तो एरिया पहले वाले पॉइंट पर है पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर और वेलोसिटी है v, दूसरे पर पाई इंटू r स्क्वायर और वेलोसिटी ले लेते हैं अपन v डैश, पाई से पाई कट जाएगा
तो वी डैश की वैल्यू आ जाएगी 4R² × V डिवाइडेड बाय R² यानी कि 4 × V, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म रेडियस ट्यूब, रेडियस अलग अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो गया। इफ रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एंड ऑफ पाइप इज 3/2, देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ एंटरिंग एंड एग्जिट। तो ये तो एंटर करते टाइम पे वेलोसिटी हो गई और ये एग्जिट करते टाइम पे वेलोसिटी हो गई। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जानी चाहिए, यानी कि यहाँ पे तो एरिया ऑफ एग्जिट आएगा और यहाँ पे एरिया ऑफ एंटर आएगा। एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेडियस के। तो रेडियस ऑफ एग्जिटिंग एंड का स्क्वायर और रेडियस ऑफ एंटरिंग एंड का स्क्वायर। तो आपको दे रखा है एंट्री और एग्जिट 3/2, ठीक है, ये दे रखा है 3 और ये दे रखा है 2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपको दिखाई देगा 4/9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए स्फीयर ऑफ गोल्ड इज 0.2 meter per second इन अ विस्कस लिक्विड, तो हमने देखा था कि जो टर्मिनल स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करती थी किसके, डेंसिटी के डिफरेंस के, रो ऑफ बॉडी माइनस रो ऑफ लिक्विड, डेंसिटी का जो डिफरेंस हुआ करता था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करती थी। यानी कि हम जो वेलोसिटी निकालना चाहते हैं सिल्वर के अंदर और जो वेलोसिटी हमें दे रखी है गोल्ड वाले केस के अंदर, इन दोनों का रेशियो यहां पर तो आ जाएगा सिल्वर माइनस लिक्विड और यहां पर आ जाएगा गोल्ड माइनस लिक्विड। सिल्वर की डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है? 10.5 और लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है 1.5। गोल्ड की डेंसिटी दे रखी है हमें 19.5 और लिक्विड की दे रखी है 1.5। 10.5 से 1.5 गया तो 9 बचेगा और यहां पर बचेगा 18, यानी कि बच जाएगा 1/2। तो वेलोसिटी इन केस ऑफ सिल्वर जो हो जाएगा वो vg/2 हो जाएगा। गोल्ड के केस में वेलोसिटी कितनी थी? 0.2 meter per second, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 meter per second। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो बहुत ज्यादा चीजें जरूरत नहीं पड़ रही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू रेन ड्रॉप्स फॉलिंग थ्रू एयर हैव रेडाई इन द रेशियो ऑफ 1:2, दे विल हैव टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमें पता है टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टर्मिनल वेलोसिटी, अभी अभी हमने देखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो रेशियो होगा vt1/vt2 वो r1² / r2² के इक्वल हो जाएगा और r1 r2 का रेशियो में दे रखा है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ए स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड, their terminal velocity attained by the falling object will be directly proportional to। तो हमें इतना पता है कि यार basically जो terminal velocity है वो r square के तो directly proportional होती है और density difference delta rho उसके भी directly proportional होती है। तो यहाँ पे देखो ये तो हो जाएगा r square, density को अपन लिख सकते हैं mass per unit volume, तो यहां पर तो आ जाएगा m और वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 πr³। तो r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी अगर मास की फॉर्म में लिखते हो तो मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ऐसे भी घुमाया जा सकता है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर डी ब्रेक्स इनटू 27 टाइनी ड्रॉप्स, द रिजल्टेंट चेंज इन एनर्जीज। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको। देखो ये जो टूटने उठने वाली प्रोसेस होती है ना उसमें वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो पहले था वॉल्यूम 4/3 πr², डायमीटर दे रखा है, रेडियस हो जाएगी d/2, उसका क्यूब करेंगे
तो डी क्यूब डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, और बाद में वॉल्यूम कितना हो गया 27 तो ड्रॉप्स हो गई, और हर ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³। 4/3 से 4/3 चला गया, पाई से पाई चला गया, यानी कि आर क्यूब जो हो जाएगा वो डी क्यूब डिवाइडेड बाई 8 × 27 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई इसका 2 इसका 3 यानी कि 6। सबसे पहले तो ये निकाल लेना है आपको, ये क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये काम करना है आपको। अब आते हैं अपन चेंज इन एनर्जी के ऊपर। तो एनर्जी हम कैसे निकालते थे, सरफेस टेंशन को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले सरफेस टेंशन थी टी और सरफेस एरिया था आपका 4π रेडियस का स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये बिफोर की बात है, और अगर आफ्टर की बात करें तो आफ्टर में जब बात करेंगे तो 27 तो ड्रॉप्स है, और हर ड्रॉप का जो एरिया है वो है 4πr², और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सरफेस टेंशन टी से। सरफेस टेंशन नॉर्मली लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, वो सेम रहेगा। आर की जगह अपन डी बाय 6 रखें तो ये आ जाएगा 27 × 4πd² / 36 × t। देखो ये 4 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 9 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3π d² × t, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी πd² × t। तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो आपको जो डिफरेंस दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, 2π d² × t के इक्वल दिखाई देगा। तो इतना चेंज आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी मिलते रहेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में नहीं आगे भी मिलते रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कैपिलरी ऑफ रेडियस आर इज डिप्ड इन वाटर, द हाइट ऑफ वाटर दैट राइजेस इन इट इज एच एंड इट्स मास इज एम। इफ द रेडियस ऑफ कैपिलरी इज डबल्ड, द मास ऑफ वाटर दैट राइजेस इन द कैपिलरी विल बी। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि जो हाइट है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि पहले रेडियस आर थी तो हाइट एच थी, फिर बाद में आपने रेडियस को 2r कर दिया तो हाइट कितनी हो जाएगी, एच बाय 2 हो जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। अब पहले मास कितना था, तो लिक्विड का मास अपन कैसे निकालते हैं, लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, एरिया तो हो जाएगा πr² और हाइट हो जाएगी h। तो ये पहले आपको मास दे रखा था m, तो m डैश जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी तो अभी भी वही रहेगी, लिक्विड थोड़ी ना चेंज हुआ है, πr² यानी कि 4r² और टाइम्स हाइट कितनी हो जाएगी, h डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो इसको लिख सकते हो 2 times ρ πr² h। अब ये रो पाई स्क्वायर एच किसके इक्वल है, एम के इक्वल है, यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से कर दोगे, ट्वाइस ऑफ एम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन डिपिंग अ कैपिलरी ऑफ रेडियस आर इन वाटर राइजेज अप टू हाइट कैपिटल एच एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज यू1। इफ कैपिलरी ऑफ रेडियस 2r इज डिप्ड इन वाटर देन पोटेंशियल एनर्जी u2, द रेशियो u1 u2 इज। तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर आप रेडियस को चेंज करते हो, कम या ज्यादा करते हो, तो हाइट भी उसी के प्रोपोर्शन में कम या ज्यादा हो जाती है और मास भी उसी के रेशियो में कम या ज्यादा हो जाता है। तो ओवरऑल आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसका चेंज आपको जीरो मिलेगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो u1 डिवाइडेड बाय u2 आपको कितना मिलेगा, 1:1 मिलेगा। तो इसको एज अ फैक्ट भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। वाटर राइजेस टू अ हाइट एच इन अ कैपिलरी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ, ऑन द सर्फेस ऑफ मून द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द सेम कैपिलरी विल बी। तो अगर मून के ऊपर भी कैपिलरी एक्शन को कंसिडर करते हो, अगर करते हो, तो मून के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था एच, उसमें जी नीचे आया करता था, यानी कि हाइट जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1/6 हो गया तो हाइट कितनी हो जानी चाहिए आपकी, 6 टाइम्स हो जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए।
अब इसके अंदर एक चीज आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर है नहीं, तो अगर कैपिलरी राइज की अगर आप बात ही करते हो तो वहां पे नॉर्मली कैपिलरी एक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, वो उसके अलग कारण है। तो कई बार इसका आंसर जीरो भी लिखा जाता है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। हमें अगर कंसिडर करना है तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे, 6H लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ सोप बबल इज R, द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज T, कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट द रेडियस ऑफ सोप बबल इज डबल्ड, द एनर्जी नेसेसरी फॉर दिस विल बी। तो रेडियस ऑफ सोप बबल इज R एंड द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज T। अब आप क्या करते हो, इस सरफेस टेंशन की वजह से एक्सेस प्रेशर रहता है। एक्सेस प्रेशर कितना रहता है सोप बबल के अंदर, 4 times T/R। इसको अगर आप चेंज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रेशर को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसके इक्वल आता है, एनर्जी के इक्वल आता है, जैसे फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करता है। आपको पता है वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³, यानी कि dv जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3 π तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 3r² times dr, 3 से 3 चला गया, 4πr² times dr के इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर रख देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 4T/R (4πr²dr). ये स्लाइट वर्क विल बी रिक्वायर्ड, छोटा सा, अगर आप रेडियस को dr बढ़ाना चाहते हो तो इतना वर्क आपको बढ़ना पड़ेगा। तो अब आप रेडियस को कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हो, r से 2r पर ले जाना चाहते हो, जो नेट वर्क आपको करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर दो, 16π into t, ये तो बाहर रह जाएगा कांस्टेंट है, और अंदर r से r² कट जाएगा, तो r dr बच जाएगा, फ्रॉम r टू 2r हमें ये इंटीग्रेशन करना है, तो हो जाएगा 16π t r² / 2 फ्रॉम स्मॉल r टू 2r, तो इसका आंसर आ जाएगा 16π t, पहले 2r रखेंगे तो 4r² / 2 बचेगा, और फिर स्मॉल r रखेंगे तो r² / 2 बचेगा, इससे 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और 2r² में से r² / 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 16π t (3/2r²). ये 2 से 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 8 × 3 = 24π t r², यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का इंटीग्रेशन की जो नॉलेज है वो यूज करनी है। बबल है, आप एक्सेस प्रेशर लगा रहे हो, दबा रहे हो, और उस दबाने के अगेंस्ट आप रेडियस इंक्रीज कर रहे हो, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो आपको कितना करना पड़ेगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, इसको पकड़ लो, फिर इसके आगे का काम आप आपस में अपने आप कर लो, राइट। टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ईच ऑफ रेडियस आर कोलेसिस टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर चेंजेस। तो अगेन आपको सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए रेडियस जो है उसके अंदर रिलेशन निकालना है। तो दो छोटी छोटी ड्रॉप थी, हर किसी की रेडियस आर थी, तो पहले उनका जो टोटल वॉल्यूम था वो था 2 times 4/3 πr³। आपने एक बड़ी बूंद बना ली तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। 4/3 से 4/3 चला गया, पाए से पाए चला गया, तो जो r डैश होगा वो 2^(1/3) r के इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले ये काम करना है, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर। तो पहले जो एनर्जी थी और बाद में जो एनर्जी थी उसका रेशियो कैसे निकालेंगे, पहले एनर्जी कितनी थी, 2 बूंदे थी आपकी, हर बूंद का सरफेस एरिया था 4πr² और सरफेस टेंशन था T। बाद में क्या हुआ, एक सिंगल बूंद रह गई तो उसका सरफेस एरिया हो गया 4πr² तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2^(2/3) r² हो जाएगा, और सरफेस टेंशन तो अभी भी T है, टी से टी कट गया, r² से r² कट गया, 4π से 4π कट गया, और 2^(2/3) को ऊपर लेके जाओगे तो 1 - 2/3 माइनस करोगे तो 2^(1/3) बचेगा (/1), यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। क्वेश्चन दिखने में डरावना लग रहा है, बट अगर आप हल्का फुल्का भी दिमाग लगाओगे
छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है उसको यूज करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसान लग रहे होंगे या लगने लगेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर इज डब्ल्यू, देन वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस टू आर विल बी। तो जो वर्क डन होता है वो सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन के इक्वल होता है। तो वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर, ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन टी, और इसी को नाम दे दिया गया है डब्ल्यू। और वर्क डन इन सोप बबल ऑफ रेडियस टू आर ये हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू टू आर का स्क्वायर करेंगे तो 4 आर स्क्वायर टाइम सरफेस, इसको नाम दे दिया आपने डब्ल्यू डैश। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और टी से टी चला जाएगा, तो 1/4 इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डैश। तो डब्ल्यू डैश की वैल्यू आपको किसके इक्वल आती हुई नजर आएगी, 4W के इक्वल आती हुई नजर आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ए इज ट्वाइस दैट इन अनदर सोप बबल बी, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ए एंड बी इज। तो एक्सेस प्रेशर जो होता है सोप बबल का वो कितना होता है, 4T डिवाइडेड बाय रेडियस R1, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ए इज ट्वाइस ऑफ 4T डिवाइडेड बाय R2, 4T से 4T कट गया तो R1 डिवाइडेड बाय R2 आपको किसके इक्वल आता हुआ नजर आया, 1/2 के इक्वल नजर आया। तो जो वॉल्यूम है V1 डिवाइडेड बाय V2 वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि 1/2 का क्यूब करोगे तो आपको कितना आता हुआ नजर आएगा, 1/8। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होता हुआ नजर आएगा, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज क्वेश्चंस हमने जो करे हैं वो सारे के सारे केवल और केवल इस बात को प्रूव करते हैं कि क्वेश्चंस भले ही दिखने में डरावने हों बट अगर आप जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है बिल्कुल सटीक तरीके से एज अ वेपन उसको यूज करना सीख लो तो शायद हर क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। और मोस्ट वांटेड सीरीज का मोटो यही है। हो सकता है कि आपको वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती हो क्योंकि हो सकता है स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो, तो आपके पास में एक ऑप्शन है, 1 घंटे का वीडियो है, आप आराम आराम से वीडियो देखो। इनफैक्ट एक वीडियो को अगर आपको एक से ज़्यादा बार देखने की जरूरत पड़ रही है तो आप वो भी कर सकते हो, बट इस एक वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको कंप्लीटली एब्जॉर्ब करना है, मतलब उसके अंदर से फिर कुछ भी बचा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो क्वेश्चंस हो सकता है कि इन सभी वीडियोस के अंदर जो कंटेंट करवाया जा रहा है उसमें से आपको डायरेक्ट अपीयर होते हुए मिले। तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस मोस्ट वॉन्टेड सीरीज। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।